हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एसक्यूएल की है और एसक्यूएल में हम क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन किया है मैंने, यहाँ क्रिएट पे जाइएगा और यहाँ से टेबल बनाने के लिए हम क्वेरी डिजाइन का प्रयोग करेंगे। हम डायरेक्टली टेबल नहीं बनाएंगे, यहाँ पर आएंगे और एसक्यूएल का प्रयोग करके टेबल बनाएंगे। तो पहले भी बना चुके हैं, तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। ये चीज़ें तो कॉमन है, यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल और क्रिएट टेबल लिखने से टेबल बनती है। टेबल का नाम हमें देना है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कस्टमर टी। तो ये दे दिया मैंने कस्टमर टी, तो कस्टमर टी टेबल का नाम है। और यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ कस्टमर दे देता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ, फिर यहाँ अंडरस्कोर जरूर लगाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। नेम ऑफ कस्टमर दे दिया और इसको हम रखेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप। तो ये यहाँ पे डेटा टाइप इसका मेंशन कर दीजिए, कॉमा दीजिए, एंटर करके नीचे आइए। अब यहाँ पर ये देने के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं कस्टमर की सिटी। तो ये लिख दिया सिटी और यहाँ पर सिटी को हम रखेंगे वेयर कैर। तो दोनों ही का प्रयोग किया है मैंने, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें वेयर कैर भी लगाया और टेक्स्ट भी लगाया है। यहाँ इसकी मैक्सिमम साइज 10 रख देता हूँ, कॉमा देते हैं, कॉमा देकर के नीचे आते हैं। अब इनकी एज की बात कर लेते हैं, तो एज को रख लेता हूँ इंटर डेटा टाइप। और यहाँ पर अब कोई कॉमा आपको देना नहीं है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और सीधा सीधा यहाँ पे रन पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर कस्टमर टी नाम से टेबल क्रिएट हो गई है, लेकिन इसके अंदर कोई रिकॉर्ड अभी फिलहाल एंटर नहीं हुआ है। तो ये रिकॉर्ड कैसे एंटर होगा आइए देख लेते हैं एक बार। ये हमारी क्वेरी वन थी, इसको हम सेव करके क्लोज कर देते हैं, इसको क्वेरी वन ही रहने देते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये क्लोज कर दिया हमने, लेकिन अभी इसमें कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जाकर के एक और क्वेरी बनाते हैं हम, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और एसक्यूएल पर चले चलेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू, जो कि हम इसके पहले भी देख चुके हैं कि हम जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कराना होता है तो हम लिखते हैं वहां पर इंसर्ट इनटू। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिख देना है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर टेबल का नाम देना है, किस टेबल में आपको इंसर्ट कराना है। तो टेबल का नाम है कस्टमर टी, तो यहां पर लिख दीजिए कस्टमर टी। तो ये हो गया कस्टमर टी। और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देनी है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, कस्टमर का नेम है, नेम ऑफ कस्टमर है, फिर सिटी है, फिर एज है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिए नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो ये नेम ऑफ कस्टमर लिख दिया आपने और कस्टमर लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कॉमा लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप नेम ऑफ कस्टमर लिखेंगे तो ये तो हेडिंग हो गई आपकी नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। और कौन कौन सी हेडिंग्स हैं उनको भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पर आप लगा दीजिए कॉमा। आपको किसी सिंगल लेटर कॉमा या डबल लेटर कॉमा में ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइटल है ऑलरेडी आपने दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देना है सिटी, तो यहाँ पर लिख दीजिए सिटी, कॉमा दीजिए और फिर लिख दीजिए एज। तो ये तो काम हो गया, इसको बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद अब हमें क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे लिखना है वैल्यूज। तो लिख दीजिए यहां पे वैल्यूज, ये लिख दिया वैल्यूज, ब्रैकेट को ओपन कीजिए स्मॉल ब्रैकेट को और यहां पे सिंगल लेटर कॉमा में कस्टमर का नाम, कस्टमर का नाम लिख दिया मैंने मोहन, ठीक है। और सिंगल लेटर कॉमा को क्लोज कर दिया, सिंगल लेटर कॉमा ओपन किया था फिर क्लोज किया, फिर कॉमा देंगे। अब कस्टमर की सिटी, तो यहां पर कस्टमर की सिटी कर देते हैं देवरिया, कुछ इस तरीके से ये देवरिया कर दिया और इसको क्लोज किया, डबल सिंगल इंडेड कॉमा को क्लोज किया कॉमा। अब एज की बात है तो यहाँ 23 एज दे देते हैं, तो ये भी रहेगा सिंगल इंडेड कॉमा में, ये बात ध्यान रखिएगा। सिंगल इंडेड कॉमा ओपन होगा फिर क्लोज भी होगा, ठीक है। क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और डिजाइन पे जा करके और एक बार इसको रन करवा दीजिए। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो ये लिखा हुआ है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, तो बस यस कर दीजिए, काम हो गया है। अब हो गया है तो पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पर आप जाएंगे ना कस्टमर पर, तो अभी ये दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ से सेव करने वाला हूँ और इसको क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है। इस क्वेरी को भी सेव करूँगा और फिर इसको क्लोज करूँगा। अब हम कस्टमर को दोबारा से ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कराया है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट करा सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी पूरी वीडियो। अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।